हो जाए, दही जम गया, उसके पापा ने जमाया था। पता क्या करते, चाय के लिए बेशक ना बजे, पर दही पूरा भर के जमाना उन्होंने, ठीक है। और ये देखो कितना प्यारा दही जमा है, बरसात के मौसम में भी दही खाया जा रहा है, ये देखिए। तो पापा बड़े खुश हो रहे हैं, मैंने दही जमाया, फ्रिज ने जमाया, उन्होंने थोड़ी जमाया, बस इन्होंने डाल दिया था। पता है चाय के लिए भी दही नहीं, वो दूध नहीं छोड़ा था रात को, मैं कहा सुबह सुबह चाय पीने के लिए, पर दिक्कत हो जाएगी। देखो बड़ा अच्छा दही जमा, चलो खा लो सारे यानी, तो बरसात में भी दही खाते रहते हैं। तो दूध फिर सुबह सुबह ले आए थे और गर्म भी कर दिया था इन्होंने, ठीक है। व्यूअर्स, आज 8 तारीख में ना खाना बना रही हूँ दोपहर का। आपका स्वागत है मेरे चैनल लिव लाइफ विद कुलविंदर में। मैं बना रही हूँ खाना। टाइम कितना हो रहा है, टाइम 1 बज गया, 1:05 हो रहे हैं। ये मैंने सब्ज़ी कल रात को बनाई थी, आलू मटर, और वो नहीं होता वो लंबे से डंडी मरिंगा होता है जो है ना, वो उसके साथ उसको डाल के बनाई थी। इतनी सी रखी मैंने ऊपर रख दी, इसके गर्म रहेगी। और मैंने क्या बनाया दोपहर के खाने में आपको दिखा देती हूँ। मैंने ना राजमा बनाए, ये देखिए। और ये थोड़े क्यों बने, इसका भी कारण, राजमा ना मैंने 2-3 दिन पहले बनाए थे, रात को राजमा चावल, तो राजमा ज़्यादा उबल गए थे, तो मैंने एक छोटा डूंगा भर के बना लिए थे, फ्रिज में रखे हुए थे। सोचा था कोई चाट वाट बना लूँगी, इसमें डाल लूँगी, पर फिर यूज़ ही नहीं हुए। और फिर मैंने क्या करा, वो छोटा डूंगा भर के, ये वाला डूंगा ना, जो ये वाला इतना ही डूंगा था पूरा भरा हुआ, तो मैंने खूब दोबारा से तड़का लगा लिया प्याज टमाटर अदरक लहसुन डाल के, तो मैंने बनाया था। बड़ी बढ़िया बन गए, स्वाद बन गए। थोड़ा सा लास्ट बचा था वो क्या कहते हैं, भूल गई, ये वाला मसाला जो पड़ा है, ये वाला मसाला लास्ट था, भी डिब्बी चली गई धोने के लिए। बर्तन सारे धुले हुए हैं देखो, बस अब जो खाना खाएंगे वो हो गया आजकल ना, ये बस ये गैस बंद कर देती मैं इसकी। ये तो मैंने आज बनाया, आज रात की सब्ज़ी क्या बनेगी वो देख लेंगे। ये राजमा स्वाद ही बने हैं, ऐसी बात नहीं है, ये देखिए। हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि रात को मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई, 3 बजे लाइट ऑफ करी है, नींद नहीं आई। तब भी मैं सर्च कर रही थी कौन कौन सी वीडियो उड़ाई है इसने, अब मेरे को पता लगा गोवा की तो सारी उड़ा दी, एक भी नहीं बची। बॉम्बे की थोड़ी बहुत बची हुई हैं, वही सर्च कर रही थी कि भले देखे जैसे अपनी सारी वीडियो को निकाल के, बॉम्बे की थोड़ी बहुत बची हैं। तो एक इसने मदर्स डे पे बनाई थी, वो भी निकाल दी, उसमें 6 व्यू थे, 500 से ऊपर व्यू थे उसमें, 550 से ऊपर, वो भी निकाल दी। और बस गोवा की तो सारी निकाल दी। अब जब भी मेरे दिमाग में वो ख्याल आता ना, मेरे आंसू निकल आते, मैं क्या कर सकती हूँ। जैसे ही दिमाग में आता है, इसलिए पता नहीं शायद इसी वजह से नींद नहीं आई, करवटें बदलती रही। फिर देखा टाइम तो 9:45 हो रहे थे, बाद दिन निकल आया था, मोटर चलानी थी, क्योंकि कल रात को देखा तो सारे घर में पानी खत्म था, किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा था। तो घंटा डेढ़ मोटर चली, मैंने मोटर चला दी कि पापा तो सो रहे थे, मैंने कहा उनके भरोसे बैठी रही ना, तो घर में पानी नहीं हुआ, मेरे लैट्रिन बाथरूम की भी दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मैं उठी, मैंने उठ के मोटर चलाई। और उसके बाद फिर हाँ, फिर जो वीडियो लौकी का रहता है ये ना, वो एडिट करी, क्योंकि मैंने कहा देखो मोटर चल रही है, जागना तो पड़ेगा, सिर तो भारी हो रहा था, मैंने कहा जागना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि नीचे मोटर जो है फूक जाएगी, जल चलती रहेगी। तो फिर मैंने क्या करा, लौकी का रहता वाली 4 तारीख की वीडियो बनी हुई थी, वो मैंने फिर एडिट करके डाल दी। फिर मैं सो गई, फिर मैं दवाई खाई रात को, तो मैंने दवाई नहीं खाई, फिर मैंने सुबह ही खाई दवाई, बीपी वगैरह की कैपिन वगैरह जो भी खाती मैं, वो मैंने सवेरे खाई। उसके बाद पता नहीं नींद आई सकती पक्की से, पक्षी बड़ा भारी हो रहा था, जब उठा रहे थे हम बहुत से पा उठने का बन नहीं था, ठीक है। और आज फिर थेरेपिस्ट आया नहीं अभी तक, रोटी खुला रही मैं, अभी तक नहीं आया, ठीक है। आज बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश भी आ रही थी पहले। हम 2-3 वीडियो हम बना के रख लेते हैं, अगर कोई काम कुछ अलग से कर रहे हों तो, वो फिर कई बार नहीं टाइम से डल पाती, कुछ वजह हो जाती है जिसकी वजह से, जैसे रोटे लिए एक वीडियो तो आती है नहीं, किसी वजह से नहीं डल पाती तो फिर वो मेरे पास जमा हो जाती है। अब मेरे पास होती है स्पेस की दिक्कत, SD कार्ड तो है पर वो भी फुल ही है, 64 GB का SD कार्ड है मेरे पास, पर वो भी फुल हो रखा है, तो मतलब फुल नहीं हो रखा, उसकी स्पेस थोड़ी खाली रखती हूँ ना, जो वीडियो आ जाती है ढंग से ठीक से आ जाती है, चेक करके उसके बाद मैं उसको रिलीज़ कर देती हूँ। इस तरह से मेरे पास एक भी और भी वीडियो नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ। अब ये हाँ, स्वाति चली गई आज, खाना बना रही थी, खाया भी नहीं, ऐसी चली गई पागल से, चाय वाय तो पी ली थी, ब्रेड वगैरह खा ली थी, पर वो चली गई बिना बताई। वो पता कहाँ गई, वो NGO वगैरह जो है ना, उसमें कुछ ना कुछ लोगों को बांटते रहते हैं, खाना वाना, कभी कपड़े, कभी कुछ, तो उनके साथ अटैच रहती है, और उनको चाहिए होते हैं वॉलेंटियर्स, तो वहाँ पे चले, मतलब वहाँ पर गई है, आ जाएगी वो, तनख्वाह से पूछा मैंने, अरे आ जाएगी थोड़ी देर में, कोई बात नहीं, आप खाना बना के रखते। मैं कहा चल ठीक है, मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, अभी आपको दिखाऊँगी मैं, ठीक है, पहले खाने का काम ख़त्म कर लूँ मैं।
और पर क्या करें बताओ, अपना काम तो हमें करना ही पड़ेगा ना, चाहे हमारा कितना भी लॉस हो जाए, काम अपना करना ही पड़ेगा। क्योंकि कब तक नहीं करेंगे, एक दिन दो दिन तीन दिन, कब तक नहीं करेंगे? अच्छा, अंदर से इंसान मुस्कुर मतलब उदास ही क्यों ना हो, पर स्माइल तो लानी पड़ती है, क्योंकि बिना स्माइल के तो फिर अच्छा नहीं होता। अगर चलो मैं सारी रोटियाँ बना लेती हूँ, मेरे को 13 रोटियाँ बनानी है। तो आपको पता है कल बच्चे गए थे बाहर, पापा के साथ सामान लेकर आए थे, तो इन्होंने मेरी मंजी पे रख दिया। मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ा, मैंने बोला मेरी मंजी से सामान खा लो, कह रहे वीडियो में नहीं दिखाना। मैं कहा तुम्हारा सामान नहीं दे, कल को ये कहोगे हमारा सामान क्यों दिखाया, तो फिर वीडियो चुपचाप डिलीट मार दोगे, तो मेरे को नहीं दिखाना। ठीक है, अब मैं स्वाति से बात तो नहीं कर रही, वही मेरे से बात कर रही है, पर मैं नहीं उससे बात कर रही, मेरे को उससे बात नहीं करनी, मेरे को टेंशन हो जाती है उसको। इतना तगड़ा नुकसान बताओ, जिस जिन वीडियो में सबसे ज़्यादा व्यू थे वही सारी उड़ा दी, ये गलत बात है ना फिर, और बिना बताए उड़ा दिया, और 2 महीने पहले को उड़ा रखी बताओ। मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैं कहा व्यू कैसे कम आ रहे हैं, उनको मशीन ख़राब होगी, कोई बात नहीं हो जाएगा ठीक, पर वो नहीं वीडियो ही उड़ा रखी है। अब पता है खाने पीने की उड़ाई होती ना, मुझे दुख भी नहीं लगता, क्योंकि वो तो मैं दोबारा कर लेती, पर ये जो गोवा की उड़ाई है ना, वहाँ को जाना संभव है क्या? वो भी बाई एयर जिंदगी में पहली बार भेजा था बैठी, उसकी एक्साइटमेंट अलग थी। अब दोबारा थोड़ी गोवा जाना हमारा होगा, वहाँ जाके मैं शूट करूँगी, और शूट करो फिर उसको एडिट करो, नाले वो मेमोरीज होती है हमारी, हम जब चाहे मतलब देखें कि हम वहाँ गए थे, हमने क्या किया, अच्छा लगता है देखकर। मतलब मैंने देखी नहीं दोबारा वो वीडियो, पर फिर भी कभी मन करे बंदा देख ही लेता है ना, इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा चलने वाली वीडियो थी, दूसरी उड़ाई होती कोई दुख नहीं होता। चलो छोड़ो, मिलती है कि नहीं, बोले तो अच्छी लगती है वैसे रोटी, ये वाला तवा मुझे बड़ा पसंद है, इसमें ना 3 रोटियाँ एक साथ बन जाती हैं, इसलिए मुझे पसंद है। इसके पापा कहते हैं वो मिट्टी वाला तवा क्यों नहीं यूज़ करती, वो मैंने पैक करके रख दिया, अब उसमें बताओ एक बारी भी एक ही रोटी बनेगी, इसमें एक साथ 3 भी बन सकती हैं, बनाने वाला बंदा होना चाहिए। फिर नाले वो पूड़ा वूड़ा बनाना होता है ना, तो वो भी सही बन जाता है इसमें। चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत अभी नॉन स्टिक तो है ही है, वैसे तो इसकी देखो परत उतर गई है, ये देखो रोटी फूल गई है, बढ़िया हो गया, ये देखो। कनिका को बोली से आके खा लें, फिर पापा को भी दे देते हैं, वो आके खा लेगी, घंटे डेढ़ में आ जाएगी। चलो मैं क्या करती हूँ, गैस स्लो कर देती हूँ, और रोटियाँ जो है ना उधर रख देती हूँ, यहाँ पर 1 मिनट ये भी हटाना पड़ता है मुझे, इसको इसको हट करना पड़ता है ना, पता नहीं कितनी बंदी 13 बनानी है, रोटी बनानी भी नहीं। ठीक है चलो, फटाफट बंद कर दूँ इसको। 2 घंटे का ब्रेक ले लिया, इसमें 4:15 हो रहे हैं, तो ये देखे केले आज कितने सारे ले आए, सुबह लेकर आ गए इतने सारे, ये एप्पल तो पहले के हैं खैर, और बब्बू गोशे ख़त्म हो गए, एप्पल पड़े हुए हैं, केले पता नहीं इतने क्यों ले आए, लिफाफे में पड़े थे अभी निकाल के रखे मैंने, तो गलत बात है इनकी, चीज़ें निकालते नहीं, केले पता लिफाफे में ख़राब हो जाते हैं, मैंने अभी निकाले हैं। तो चलो अब मैं बनाने वाली हूँ चाय, चाय के बाद मैं काम स्टार्ट करने वाली हूँ घर का। हेलो व्यूअर्स, तो देखिए मैंने सलाद भी काट रही है, मैंने सोचा दाल चावल हैं तो सलाद अच्छा लगेगा, इसमें काटी है 2 तरह की शिमला मिर्च, लाल और हरी, जो पहले थोड़ी कटी पड़ी थी, मेरे पास थोड़ा टुकड़े पड़े थे, साथ में 2 ऑरेंज वाली गाजर और 1 बड़ा खीरा। अच्छा सारी चीज़ें काट रही हैं, नमक चाट मसाला नींबू डाल दिया है, दाल बन गई है, देखते हैं दाल के हाल चाल। ये देखिए दाल बन गई है, उसका टेस्ट नहीं करा भी मैंने, टेस्ट करके देखना नमक मिर्च ठीक है कि नहीं, पर ये डाल देते हैं धनिया, के काट के रख दिया था, ये डाल देते हैं धनिया, और इधर मेरे चावल रेडी हैं, खाना पूरा ही तैयार है, ये देखिए चावल भी बन गए, एक मिनट ये देखिए चावल को थोड़ा सा ना ऐसे कर देते हैं, ये जीरे वाले चावल हैं, मतलब इसमें 1 चम्मच छोटा वो डाला है मैंने, ये देखिए जीरा दिख रहा है ना, ये जीरे वाले चावल हैं, और दाल है और सलाद है और चटनी है, चटनी ये भी ये है चटनी, सारा सामान तैयार है, ये देखिए चटनी तो कुछ ज़्यादा करारी बन गई है मेरे से चटनी। चलो अब मैं खाना सर्व कर देती हूँ, ठीक है खाना तैयार है, चावल भी तैयार है, खाना सर्व कर देती हूँ।